दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाली है आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 के रिगार्डिंग आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। वही दूसरी तरफ लेजेंड्स क्रिकेट के सीजन 2 के शेड्यूल एंड वेन्यूज के रिगार्डिंग हमें एलएलसी ग्रुप की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2022 को लेकर, जी आपको बताना चाहूंगा कि अभी से काफी टाइम पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर साल 2022 में होने वाले एशिया कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया था, जहां पर 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें यूएई के दो स्टेडियम्स यहां दुबई और शारजा में देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार यह पूरा का पूरा टूर्नामेंट होने वाला है। सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आज की तारीख में एशिया कप 2022 के रिगार्डिंग तीन चार बड़े बड़े अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है भारतीय टीम को लेकर, जी हां कल सुबह भारतीय टीम एशिया कप 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएई के लिए भारत से निकल चुकी थी, जहां भारत से उन्होंने प्लेन पकड़ लिया था और कल शाम को भारतीय टीम सेफली यहां पर यूएई में लैंड कर चुकी है। सभी खिलाड़ियों का कोविड-19 टेस्ट हो चुका है, सभी की रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव है। उसके अलावा जो खिलाड़ी फिलहाल भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का हिस्सा थे, वहां पर आपके तीन खिलाड़ी थे जो आपके यहां पर केएल राहुल थे, आपके दीपक हुड्डा थे और आपके यहां पर एक और खिलाड़ी भी थे शायद आवेश खान थे। तीनों खिलाड़ी वहीं से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर यूएई चले गए हैं और भाई यहां पर फाइनली भारतीय टीम इकट्ठा हो चुकी है। कल शाम को यहां पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी फोटोज को भी शेयर किया, यानी भाई भारतीय टीम एशिया कप में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएई पहुंच चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट भी टीम इंडिया के रिगार्डिंग है, लेकिन दोस्तों एशिया कप की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को यहां पर बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। जी हाँ, टीम इंडिया के हेड कोच, जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राहुल द्रविड़ की, जो यहाँ पर एशिया कप की शुरुआत से जस्ट पहले कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते उन्होंने भाई यहाँ पर टीम के साथ डिपार्चर भी नहीं किया और भाई ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई अब वो यहाँ पर एशिया कप में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। एक नए हेड कोच की यहाँ पर अनाउंसमेंट आने वाले 24 घंटे में की जाएगी, जहाँ पर भाई हमें अभी तक टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल द्रविड़ की जगह पर वीवीएस लक्ष्मण हमें यहां पर एशिया कप 2022 में भारतीय टीम के हेड कोच के पद पर दिखाई देने वाले। खैर अगर हमें बीसीसीआई की तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यही खबर कि आपके राहुल द्रविड़ यहां पर एशिया कप से रूल्ड आउट होते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को लेकर। कल फाइनल यहां पर एसीसी ग्रुप ने खुद यहां पर भारत में लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को रिवील किया, जहां पर भारत में पूरे के पूरे टूर्नामेंट को स्टार टीवी टेलीकास्ट करने वाले। जी हाँ, स्टार के जितने भी चैनल्स हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, सभी चैनल्स पर हमें अलग अलग भाषाओं में लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। और यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से डिजनी प्लस हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टीम इंडिया के जितने भी मैच होंगे वो सभी महामुकाबले हमें डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 को लेकर, जहां पूरे संसार के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इस टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके सभी लेजेंड खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और फाइनली कल हमें यहां पर एलएलसी ग्रुप की तरफ से वेन्यूज के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर भारत के 5 अलग अलग शहरों में हमें यहां पर यह टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। 4 फ्रेंचाइजियां पार्टिसिपेट करेंगी, 4 टीमें यहां पर होंगी और चारों टीमों में हमें भारतीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके चलते टूर्नामेंट और थोड़ा सा ज्यादा रोमांचक यहां पर होने वाला है। खैर यहां
पर वेन्यूज का जो पूरा का पूरा चार्ट है, किस तारीख से किस तारीख तक किस जगह पर महामुकाबले होंगे, उस चार्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। यदि स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके पूरे के पूरे चार्ट को देख सकते हो भाई, किस तारीख से किस तारीख तक कौन से शहर में हमें लेजेंड्स क्रिकेट लीग के महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया 2022 को लेकर, जहां पर भाई आने वाले 2-3 दिनों के अंदर न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत की ये टीम न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगी। 6 मैचों की सीरीज होगी जिस दौरान 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। शुभमन गिल हमें यहां पर भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, आपकी पृथ्वी शाह और उसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी यंगस्टर हमें इस सीरीज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके चलते ये जो सीरीज है काफी ज्यादा ऐतिहासिक होगी। जहां पर एक तरफ भारत की मेन टीम एशिया कप का हिस्सा होगी, दूसरी तरफ भारत की जो ए टीम है वो हमें यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में धमाल करती हुई नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रवि शास्त्री को लेकर, जहां कल रवि शास्त्री ने विराट कोहली को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी, जहां पर भाई उन्होंने विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर काफी कुछ कहा, जहां विराट कोहली की लगातार सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है, उसके ऊपर हमें रवि शास्त्री की तरफ से बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट देखने को, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई यदि एशिया कप में विराट कोहली कम बैक करते और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में अपने पहले ही मैच में यहां पर 50 जड़ देते तो भाई जितने भी आलोचक है उनका यहां पर मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यहां पर काफी सारे स्टार खिलाड़ियों को भी टारगेट किया है जो यहां पर विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला कि विराट कोहली ने जो अचीव किया वो कहीं ना कहीं 3-4 खिलाड़ी को भी मिला दिया जाए तो भी अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह से मतलब पूरी तरह से वो विराट कोहली के स्पोर्ट में हमें नजर आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जी हाँ बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर कल बीसीसीआई ने ऑफिशियली रिवील कर दिया कि अब यहां पर फ्रेंचाइजियों और साथ ही साथ बीसीसीआई ने आईपीएल 2023 के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत कर दी, क्योंकि आईसीसी ने यहां पर जो बीसीसीआई को आईपीएल को होस्ट करने के लिए 2.5 महीने की विंडो दी है और मिड ऑफ मार्च 2022 में हमें सॉरी 23 में हमें आईपीएल की शुरुआत होती हुई नजर आने वाली है। तैयारियों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, शेड्यूल के ऊपर फिलहाल काम चल रहा है, 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगे, अभी फॉर्मेट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसे जो नेक्स्ट आईपीएल होने वाला है वहां पर हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेतेश्वर पुजारा को लेकर, जी हां चेतेश्वर पुजारा फिलहाल रॉयल लंदन कप इंग्लैंड में खेल रहे थे, जहां पर भाई ओडीआई फॉर्मेट के टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट में हमें चेतेश्वर पुजारा की तरफ से धमाल देखने को मिला, जी हां 6 मैच उन्होंने खेले, जहां पर भाई 3 महामुकाबलों में उन्होंने शतक जड़े, एक बार 174 रन भी बनाए थे, 2 महामुकाबलों में उन्होंने 50 बनाए और भाई हर मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर बल्लेबाजी की, जो कहीं ना कहीं ऐसा साफ करेगी आपके चेतेश्वर पुजारा यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में भी अपना कमबैक करने के लिए पूरी तरह से कोशिशें कर रहे हैं। तो दोस्तों यह 24 अगस्त 2022 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।